the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and the Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. Ola Uber ki gaadi zyada badh gayi hai, uski wajah se kafi kaam mein bhi giravat aayi hai. नमस्कार, मेरा नाम संदीप है, आप हिंदवॉइस देख रहे हैं। इस वक्त देश के ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है। अभी फिलहाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, जो देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यह BS6 स्टैंडर्ड और मिलेनियर्स के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है ऑटो सेक्टर को। उनका मानना है कि ओला और उबर की वजह से है जो देश में लोग कारें कम खरीदने लगे हैं, जिसके कारण इस साल की अगर हम बात करें तो 41% है जो गिरावट आई है नई कारों के खरीदने में, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अभी फिलहाल कुछ अशोक लीलैंड की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, तो यह अपने कारखाने कुछ दिनों के लिए बंद कर रही है ताकि मंदी का दौर है जो समाप्त हो जाए और आगे तक वो अपने कर्मचारियों को है जो दोबारा रख सके और उनकी छंटनी ना कर सके। अभी हम ऊबर के एक हमारे साथ ड्राइवर जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है या नहीं, क्या उनके गाड़ी में अभी करोड़पति बंदे हैं जो सफ़र करते हैं या नहीं, क्या कारण है कि लोग ज़्यादा उबर को या ओला को तवज्जो देने लगे हैं या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? नीतीश वर्मा। नीतीश वर्मा भाई, कब से आप गाड़ी चला रहे हो उबर की? मेरे को एक साल हो गया। पहले वाले सालों में और अब वाले सालों में जो पैसेंजर आपके पास आते हैं, यात्री आपके पास आते हैं, उनमें कमी आई है या नहीं? काफ़ी अंतर आया है गाड़ी बढ़ने से, काम पे काफ़ी गिरावट आई है। ओला और उबर की गाड़ियाँ आने से या लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ आने की वजह से? ओला उबर की गाड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से काफ़ी काम में भी गिरावट आई है। पहले की तुलना में और अब की तुलना में कितनी गिरावट मानते हैं आप? आप पहले कितने कमाते थे और अब आपका क्या कुछ चल रहा है? पहले 2500-3000 पर डे, अब तो वही 2000 पर नहीं जाता। आपको लगता है कि जो करोड़पति बंदे हैं या मिलेनियर्स हैं, वो अब ओला और उबर की सवारी यूज करते हैं अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी छोड़ के? ज़्यादातर तो वो ओला उबर ही यूज़ करते हैं। लगता है आपको कि ओला और उबर की आने की वजह से जो नई गाड़ियाँ वो कम आ रही हैं अब? हाँ जी सर, कम आ रही है। हाँ, कितना ज़्यादा फर्क लग रहा है आपको? मतलब 100 में 20% है, और लोगों को मतलब कुछ आदत सी भी पड़ गई है टैक्सी की जाने की। मतलब जैसे दिल्ली में कहीं पार्किंग की जगह है, कहीं खड़ी करने की है, कहीं नहीं है, कहीं 150 रुपये पार्किंग है, तो लोग सोचते हैं चलो ऊबर से ही निकल लेते हैं, ओला से ही निकल लेते हैं। दूसरा, इधर ये अपना ये संशोधन पास हो गया जो मोटर व्हीकल एक्ट का, तो अब लोग और प्राइवेट वाले डरने लगे हैं। किसी के पास पॉल्यूशन है, किसी के पास लाइसेंस है, किसी के पास नहीं है, तो वो सोचते हैं चलो ऊबर ही कर लेते हैं। ठीक है। और नई जो गाड़ियाँ वो कम आ रही हैं मार्केट में? हाँ, इस समय अब नई कम आ रही हैं। नई कम आ रही हैं। हाँ, लगता है कि आपको पहले आपकी कमाई में और अब की कमाई में कितना अंतर है? पहले मतलब ये था कि कंपनी इंसेंटिव देती थी, अब इंसेंटिव इतना नहीं है, अब जितना मेहनत करोगे अब उतना मिलेगा। ठीक है, मेहनत करो, बंदा मेहनत करेगा तो भी ठीक है, मेहनत करनी चाहिए जी। हाँ, आपको लगता है कि जो देश में अभी कारें जो कम बन रही हैं, जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो बंद हो गए हैं, वो ओला और उबर के कारण आ रहे हैं? क्योंकि अभी निर्मला सीतारमण जी ने यही कहा है कि ओला और उबर के आने के कारण लोग पर्सनल गाड़ियां कम खरीदने लगे। ऐसा तो सर, ऐसा है ना, जब ओला उबर आने से अगर पर्सनल लोग कम खरीदेंगे तो हम टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब वो तो अंतर माइनस प्लस होता रहेगा सर। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। लगता है कि आपको ओला और उबर के आने की वजह से जो लोग नई गाड़ियां वो कम खरीद रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पहले से तो हम लोग के पास भी कम ही वो आती है, बुकिंग कम ही हो गई है, रोजी रोटी चीज चल जाता है, रोज का उतना ही बहुत है। पहले कितने कमाते थे? पहले तो सर 60-70 हज़ार कमा लेते थे, अब तो 30-40 महीने का जी, और अब आप तो 25-30 हज़ार कमाने में जोर हो जाता है, पूरा दिनों रात मेहनत करना पड़ता है। लगता है आपको कि ओला और उबर के आने की वजह से लोग हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ियां कम खरीदने लगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, दुनिया भर की गाड़ियां आ रही हैं, उबर से इनसे ज़्यादा पर्सनल गाड़ियां घूम रही है रोड पे घूम रही है। परंतु अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओला और उबर के आने की वजह से लोग पर्सनल गाड़ियाँ कम खरीदने लगे हैं, जिसके कारण ऑटो सेक्टर में मंदी आई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले यूज कर, जो अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे थे वो भी अपनी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ओला उबर वाले जो चलते थे ओला उबर से, वो अब अपनी गाड़ियाँ अलग से खरीद रहे हैं।
ऑटो सेक्टर में भी जो मंदी आई है उसका ये कारण ये बताया जा रहा है कि ओला और उबर के आने की वजह से जो लोग पर्सनल गाड़ियाँ वो कम खरीद रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाई कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ओला उबर अपना काम कर रहे हैं, पर्सनल आदमी अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। पर्सनल का इससे कोई क्या मैटर है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो वैसे ठीक भी है, कम खरीद रहे हैं तो, क्योंकि ओला उबर इतने ज़्यादा मार्केट में है। पहले लोग ज़्यादा यूज़ करते थे या अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, पहले कम यूज़ करते थे, इसलिए जो पर्सनल गाड़ियाँ लोग कम खरीद रहे हैं। हाँ, आपका मानना ये है कि भी इसलिए कम खरीद रहे हैं। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से ऑटो सेक्टर मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट आ रही है, लोग गाड़ियाँ पर्सनल खरीदना कम कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अब जो नई कंपनियों की जो गाड़ियाँ आई है ना, जो ये इन गाड़ियों में इतना फंक्शन नहीं है, जो फ्यूचर फंक्शन है उन गाड़ियों में ज़्यादा फंक्शन है, तो इसलिए उन गाड़ियों को ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग, इनको कम खरीद रहे हैं। खरीद तो रहे हैं लेकिन मतलब ये जो मारुति वगैरह की है इन गाड़ियों को कम खरीद रहे हैं। अगर कोई अपना एक्सपेंस कम करना चाह रहा है, ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे कि कोई बंदा नई गाड़ी लेता है, 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, उसकी कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये EMI जाएगी, ड्राइवर रखेगा, पेट्रोल हो गया, आपके मेंटेनेंस होगी, तो उसका कम से कम अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का एक गाड़ी पे कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। और उसका अप डाउन होता है डेली ऑफिस से घर, या थोड़ा बहुत इधर अगर टाइमिंग मिल गया है वीकेंड के अंदर चले गए। अब यही चीज़ ओला उबर में वो ट्रैवल करता है तो उसका अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपये में मंथली हो जाता है इजीली काम। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर से अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने चलान इतने बढ़ा दिए हैं कि बंदा क्या करेगा, वो कहेगा भैया मैं अपनी गाड़ी से अच्छा मैं टैक्सी में ही चला जाऊँ, टूट फूट हो गई, कुछ हो गया,